Hey, what's up everyone? I am बड़ा fine. आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे. मैं भी अच्छा ही हूँ, बट ठंड में हूँ अभी. यार इतना जगह लगाया, अंदर में कितना कपड़ा लगाया पता है? अंदर में यार चार चार कपड़ा लगाया है. एक इनर है, फिर उसका ऊपर में हुडी है, इसके बाद ऊपर में फिर एक हुडी लगाया हुआ है. यार इतना ठंड है यहाँ पे. आप लोग आना चाहना फुल तैयारी के साथ आना, नहीं तो यार ठंड में यार कसम से आप लोग को बहुत दिक्कत होगा. जितना भी हो आने का टाइम में. और यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे नेटवर्क वगैरह का बहुत इशू है. यहाँ पे नेटवर्क रहता ही नहीं है. एयरटेल का होने से तो नहीं है, जियो का भी नहीं है. अगर हो सके तो आप लोग BSNL का सिम लेके आना, क्योंकि यहाँ पे कॉल करने के लिए सुविधा है BSNL का ही, इंटरनेट का सुविधा नहीं मिलेगा. आप लोग BSNL का लेके आना आने से. और रात में स्टे करना है तो यहीं पे स्टे कर सकते हैं. यहाँ का रूम भी बहुत ही अच्छा है. बाय बाय. शुरू हो रहा है भाई मेरा वाला. मैं बाय बाय कहता हूं. चलो चलो अभी 10 बजे जाके वहाँ पे पैकिंग क्विंग करा लेगा. दिखा दी मुझे. और ये जा रहा है भाई यहाँ से. दिखा दे रहा हूँ मैं. दिखा दे रहा है. ऊपर नहीं गया. चलो तभी मैं हम लोगों का पैकिंग व्यकिंग सब कुछ हो गया है. यहाँ से अभी बाइक में सब कुछ बांध लिया है. रूम भी हम लोगों ने जैसा था वैसा ही कर दिया है. हाँ जैसा था वैसे नहीं किया है. ब्लैंकेट वैकेट हम लोगों ने इस बार फोल्ड नहीं किया है, क्योंकि यार बहुत ठंडा था. अभी हम लोग बाहर निकला ये ब्लैंकेट से, बहुत ठंडा है यहाँ पे यार. तो सब कुछ पैकिंग वगैरह हो गया है. हम लोग सामान वामान भी जितना था सब कुछ ले लिया है. और ठीक है तो हम भी चलते हैं, थोड़ा सीधा बाइक पर मिलते हैं या तो रास्ते पर मिलते हैं. हम लोग का आज का टारगेट रहेगा पासीघाट पहुँचने का. अगर पासीघाट पहुंच गया तो बहुत सही है, रात में वहीं पे गुजारा कर लेंगे. और यार हम लोग का पास, बताना नहीं किसी को यार, हम लोग का पास अभी कैश का बहुत कम ही हो गया है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता है. तो हम लोग सोचा था यार गूगल पे कर लेंगे. तो यहाँ पे आने के बाद में हम लोग को पता चला कि यहाँ पे गूगल पे वगैरह कुछ इंटरनेट ही नहीं है, तो गूगल पे कहाँ से चलेगा. तो हम लोग के साथ बहुत बड़ा मतलब गलती हो गया. अगले बार आने से यार हम लोग पूरा इंतज़ाम करके आएंगे. ठीक है तब सीधा बाइक पे मिलते हैं. इसके बाद में चलो पासीघाट के निकल जाते हैं. सो गाइस कल रात हम लोग यहीं पे हम लोग का बाइक पार्किंग किया था, और अभी पैकिंग वैकिंग करके सब कुछ रेडी हो चुका है. और सुजीत भाई यहाँ पे पूरा रेडी हो रहा है, कान में हेडफोन फोन डाल के पूरा रेडी है. चलो ठीक है तो निकलते हैं. तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ, बाइक भी रेडी है, कॉल स्टार्ट भी रेडी है. मैं गाना बजाता हूँ और निकलते हैं ऐसे. बाइक का चैनल को प्लीज सिर्फ सपोर्ट कर देना. भाई बहुत ही मेहनत कर रहा है, मतलब मेहनत इतना नहीं कर रहा है, लेकिन पैसा बहुत खर्च हो रहा है भाई का. तो पैसा खर्च होना यानी कि मेहनत वाला बात एक ही है. तो भाई को सपोर्ट देना, और मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अच्छा लगे तो आप लोग को सपोर्ट कर देना. जरूर जरूर, भाई का लिंक तो हमेशा मेरा डिस्क्रिप्शन में रहता ही है. और मुझे अकेला नहीं, मेरे जितने भी फैमिली लोग हैं, सपोर्ट करना भाई को भी. सुबह से हम लोग वहाँ से निकलने के बाद में मायावदिया पास में पहुँच गए, और यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटो शूट कर लेंगे. इसके बाद सीधा निकल जाएंगे पासीघाट के. और ले जाए बेटा, लेके जाएगा. हाँ यार ये लेके जाएगा, हमसे फोटो मारने के लिए. हाँ सोचो तू यहाँ पे बांध देगा इसको. नहीं बांधेगा क्यों यार, ऐसे इसका तो सम्मान है ना. क्यों बांधेगा इसको. चलो फिर तो निकलते हैं, 10 बजने वाले अभी. टाइम भी नहीं है वैसे. जो गाइस यार जुकाम लग गया यार मेरे को. ठंड का प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं करके नहीं आया ना ब्रो, जुकाम लग गया यार. टेबलेट वगैरह सब कुछ लाया है, फिर भी यार ठंड का तो यार जितना भी टेबलेट ले लो यार थोड़ा तो बुखार लग ही जाता है. एंड यार यहाँ से व्यू देख सकते हैं यार, कितना मज़ा लग रहा है. मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाता हूँ. यार मुझे तो मेरा चेहरा को गोली मार दीजिए. व्यू देखिए, व्यू का मज़ा लीजिए, कितना औसम लग रहा है यार. तो चलिए बस आगे में मिलते हैं, कैमरा बंद कर देते हैं. तो लेट्स गो टू द राइट. ओए भाई रुको यार, कहाँ जा रहे हैं हम भी. तो फ्रेंड्स अभी हम लोग नीचे उतर गए हैं. नीचे उतरने के बाद में यार बोर्ड ऊपर से ऊपर में इतना ठंड था, और नीचे में तो यार आके इतना गर्मी लग रहा है.
पूरा पसीना निकल जा रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे उतर के थोड़ा क्या क्या ऊपर का जैकेट वगैरह सब कुछ खोल लिया, इनर वगैरह जो था अंदर का सब निकाल लिया है यार, ओपन प्लेस में ही निकाल दिया, कोई बात नहीं, मज़ा लग रहा है। और कल हम लोग यहीं पे रुका था जाते समय भी, और आज भी हम लोग यहीं पे रुका है। एंड यहाँ का व्यू कुछ इस तरह है, वेट लेट मी शो यू गाइस, कुछ इस तरह है। और इतना अच्छा से व्यू नहीं आ रहा है यार, आप लोग नेकेड आइज से देखोगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा यार। हम लोग का धन्नो भी बहुत मदद किया हम लोग को आगे बढ़ने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू, आज सब बात मज़ा आ रहा है। रेस्ट करेंगे थोड़ा देर यहाँ पे, उसके बाद में फिर से निकल जाएंगे अपना सफ़र की ओर, पासीघाट की ओर। तो चलिए सीधा ऑन द रोड मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, जब ही ज़्यादा भूख लग रहा था रास्ते में, सुबह से कुछ नहीं खाया था, सुबह में सिर्फ मैगी और चाय पी के निकला था हम लोग वहाँ से मायोडिया से। तो अभी रास्ते में ज़्यादा भूख लग गया तो सोचा यही जा रहा था, तो रास्ते में एक ढाबा दिखाई दिया तो हम लोग वहीं पे रुक गया। और रुकने के बाद में हम लोग का दिन का लंच कर रहे हैं अभी, और दिन का लंच में बहुत ही ज़्यादा आइटम है यहाँ पे, सब्जी हो दाल हो, निरामिष में खा रहे हैं। और भैया ने हम लोग को सिर्फ मतलब ऐसे ही फ्री एक ऑफ़र किया है, मछली का सूप, मछली का झोल जो है वो ऑफ़र किया है। तो टेस्ट करते हैं अभी। मेरा लगभग आधा खाना हो चुका है, इसके बाद में याद आया कि यार मैं तो वीडियो बनाया नहीं और मेरे भैया को दिखाया नहीं, मेरे फैमिलियों को दिखाया ही नहीं, तो सोचा यार बना रहे तो वीडियो भी बना ही देते हैं यहाँ पर। तो ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोगों ने राइस लिया है प्लेन राइस दाल के साथ में, और ये मटर का सब्जी है, और ये घुघनी है, घुघनी जो हम लोग का स्पेशली है, और ये यहाँ फिश का करी है, और यहाँ पे चटनी अचार है, और यहाँ पे बॉडी का फ्राई है। क्या का फ्राई, मज़ा लगा यार बॉडी का फ्राई पे। और यहाँ पे स्पेशली हम लोग का जो बड़ा वाला मिर्चा होता है ना, नागा मिर्चा जो बोलते हैं, जो मोटा वाला राजा मिर्चा, वो है यार, बहुत तीखा है यार, मैं ज़्यादातर तीखा नहीं खाता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तीखा है। और ये यहाँ पे भाई भी पर खाने में व्यस्त लगा हुआ है, इतना भूख लगा तो व्यस्त होना ही है। तो चलिए अभी खाना ख़त्म करने के बाद मैं सीधा मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग एकदम मस्त वाला ओपी व्यू पे आ गए हैं, और ऊपर से हम लोग को ओपी व्यू दिखा देते हैं आप सभी को भी, यार मज़ा आ जाएगा आप लोग को देख के भी, डोंट वरी, लेट्स हैव अ सी। देख आप लोग देखना चाहते हो, अगर देखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना, तो मैं बता दिखा दूंगा, अगर नहीं कमेंट नहीं करोगे तो मैं नहीं दिखाऊंगा। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो यार।
कोई बात नहीं यार, आप लोग कमेंट करो या ना करो, मुझे तो आप लोगों को दिखाना ही पड़ेगा जो व्यू है। अब देख सकते हैं ऊपर में, देखिए यार पूरा क्लाउड, पहाड़ों पे बादल छाया हुआ है। इन्हें नीचे देख सकते हैं पूरा पूरा वाइट स्टोन। ये जितना भी जगह दिखाई दे रहा है ना वहाँ, ये पूरा एरिया पानी से भर जाता है। ये पूरा एरिया पानी से भर जाता है बरसात का मौसम में। वो ठंडे का मौसम है यार, इतना पानी नहीं है। जितना भी ब्लैक ब्लैक सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सिर्फ ये नदी का नदी बह रहा है। सोच सकते हो यार कितना बड़ा नदी है ये। बढ़िया क्या सुबह के साथ में आज उठा हूँ एकदम फ्रेश माइंड के साथ। और कल रात में हम लोग यहाँ पे करीब 6 बजे के आसपास पहुँचा है, और यहाँ पे 6 बजे के आसपास कोई होटल वगैरह मिला नहीं। जो ढूंढते ढूंढते में एक होटल मिला हम लोग को, और होटल का नाम तो नहीं पोलो था, इतना याद नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट नाम है यार, हमको प्रोनाउंसिएशन करने में भी गलती लग रहा है, गलती हो जा रहा है। तो धोनी पोलो होटल था, वहाँ पर हम लोग कल रुके। रूम देख ही सकते हो कैसा है, पूरा रूम ऐसा ही है, बड़ा ऐसे ही बड़ा हुआ है। अभी हम लोग निकलने वाले हैं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी अभी तक नहीं किया है, और अभी जाके मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में डायरेक्ट ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक ही साथ में कर लेंगे, क्योंकि यार सुबह में कुछ खाया नहीं। अभी टाइम भी हो रहा है 10:30 बज गया है, तो अभी यहाँ से हम लोग को सीधा आलोक के लिए निकलना है। तो देखेंगे बीच में अगर कुछ अच्छा वाला व्यू सीनरी वीनरी आ गया तो वो भी कैप्चर हो जाएगा, देख लेंगे हम। और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह है, बाहर का नज़ारा देख सकते हैं कुछ यहाँ पे पूरा पेडी फील्ड वगैरह है यार। हाँ बाहर यहाँ पर पेडी फील्ड वगैरह है, पहाड़ कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यार यहाँ से। तो ये तरफ में पूरा टाउन वगैरह है। तो चलिए अभी हम लोग सीधा यहाँ से चेकआउट कर लेते हैं। चेकआउट करने के बाद में सीधा आप लोग को कहाँ मिलते हैं, बाइक पे मिलते हैं या फिर डायरेक्ट व्यू पॉइंट पे मिलते हैं, और नहीं तो अंडर रोड पे मिल जाएंगे। तो चलिए सुबह सुबह वहाँ से हम लोग निकलने के बाद में यहाँ पे खाने के लिए यहाँ पहुँचे। अभी तो खाना हम लोगों ने सुबह का ऑर्डर दे दिया है, खा रहा है और यहाँ पर मैं भी खा रहा हूँ। तो चलिए खाने के बाद में मिलते हैं।
सो गाइस अभी एक मस्त वाला व्यू वाला जगह में आके पहुंच गए। आप लोग पीछे देख ही सकते कितना नज़ारा, कितना मज़ा आ रहा नज़ारा कितना मज़ा आ रहा नज़ारा है यार, देख ही सकते हैं पूरा व्यू मस्त लग रहा है। दिखाते हैं आप सबको भी, अभी देखिए कितना सुंदर पहाड़ है मेरे पीछे में। सो गाइस देख ही सकते कितना नज़ारा अच्छा लग रहा है, वॉट ए ब्यूटीफुल प्लेस यार। ये साइड पूरा जंगल है और ये साइड देख सकते पूरा पहाड़ी है, ऊपर में क्लाउड देखिए यार कितना व्यू मस्त है। ये जो देख सकते हैं यार ब्रिज, यहाँ से कितना क्यूट व्यू लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है। ओ भाई साहब ब्रिज तो फ्रेंड्स अभी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे लोकेशन दिखाए इसलिए यहाँ पे हम लोग रुक गए। और ये लोकेशन यहाँ का व्यू देख के आप लोग बोलोगे यार इट्स एन ऑसम प्लेस, इट्स एन ऑसम। तो जा रहे हैं अभी हम लोग वहाँ पे लोकेशन पे और एंड ये देख सकते हैं यहाँ का व्यू मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये रहा हम लोग ये वाला ब्रिज में जाने वाले हैं अभी और हम लोग यहाँ से चल रहा है अभी। दास भाई आगे आगे जा रहा है, मैं वहाँ पर पूछने के लिए गया था ये रास्ता कहाँ से है और ये उन्होंने बोला कि ये वाला रास्ता से जा सकते हैं हम लोग भी। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो बिना डरे हुए मेरा भाई आगे जा रहा है जोश के साथ और मैं भी इसका साथ पीछे पीछे जा ही रहा हूँ। यार ब्रिज देख सकते हैं पूरा नेट से बनाया हुआ है, रूप है यार। चलने में भी डर लग रहा है, चलने में भी तो डर लग रहा है लेकिन देखता हूँ क्या हो पाता है। डेडलीस हैंगिंग ब्रिज है यार, बहुत ही लंबा है यार, नहीं होने से भी ये 400-500 मीटर का होगा, बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ पे बेड़ा का बनाया हुआ है बेम्बू से कुछ, बहुत मज़ेदारी है, मस्त है। भाई बिना घबराते हुए जा रहे हैं और हम भी बिना घबराते हुए इसके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही लंबा है यार मैं देखिए। और ये रहा पुराना वाला जो पहले यहीं से लोग जाते आते थे, ये रहा ऐसा कुछ है। और ये अभी न्यू रिसेंटली बना होगा, रिसेंटली मतलब हो गया होगा इसका भी बहुत साल, जैसे कि एक साल वगैरह कुछ हो सकता है, इतना पता नहीं है लेकिन चलने में मस्त लग रहा है यार। इतना डरने का बात नहीं है, अगर गिरने से तो यार ख़त्म, बस इतना ही कहना है और बाकी तो कुछ नहीं है। और ब्रिज पूरा ऐसा हिल रहा है, पूरा ब्रिज हिल रहा है एंड साइड से कुछ इस तरह से व्यू है यार, कितना सुंदर लग रहा है, कितना मत ही बोलो यार, बोलने के लिए लफ्ज़ नहीं है, इतना प्यारा है, इतना सुंदर लग रहा है ये साइड से भी एंड ये साइड से भी व्यू कुछ इस तरह है।
एंड लुकिंग यार इट्स टू टोटली ऑसम प्लेस। वहाँ पे यार धान खेती वगैरह करा हुआ है यार, टोटली ऑसम, टोटली ऑसम यार। देख सकते कितना लंबा ब्रिज है वहाँ तक है यार। तो देखते हैं आगे तक, पूरा एंड तक जाके देखते हैं उधर क्या है, वो उधर जंगल के ओर। अब दास भाई वहाँ पे रुक गया है, बैठ गया है, उसको चला नहीं जा रहा है बोला, उससे डर लग रहा है शायद, पता नहीं क्या है। लेकिन मैं चलो क्रॉस कर ही लेता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स मैंने तो लास्ट तक कवर कर लिया है यहाँ का, डरते डरते मैंने पूरा क्रॉस कर ही लिया है। फिलहाल अभी मुझे रिटर्न भी जाना है, यहाँ से रिटर्न भी जाना है, वहाँ पे दास भाई भी वेट कर रहा है मेरा। यार ये वाला ब्रिज से बाइक भी क्रॉस होता है यार, यहाँ पे बाइक रखा हुआ है और रास्ता तो इधर उधर से कोई कहीं से है नहीं। हम लोग में डर डर आता निकले यार, यहाँ से तो बाइक भी पार हो जाता है। तो चलिए मैं तो यहाँ तक पहुँच गया हूँ और वहाँ पे मेरा दास भाई वेट कर रहा है, देख सकते हैं। मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ कहाँ पे है यार, वो रहा उधर पे बैठा हुआ है। तो भाई लोग अभी ब्रिज तो क्रॉस कर लिया मैंने उधर से, तो ब्रिज क्रॉस करने के बाद में यार पहले वहाँ पे स्नैक्स वगैरह कुछ लिया था, मैंने कुछ खाने के लिए वगैरह लिया था, तो हम लोगों ने ले लिया। ये देख सकते हैं लस्सी लिया है, लस्सी और क्या लिया था भाई, क्या लिया क्या लिया जल्दी दिखाओ, मेरा भाइयों में कभी खाना है जी। ये उल्टा करके मैंने खुला है और ये बिकाजी भुजिया है, वो अभी खा के सुबह में खाना खाया था, बहुत पहले खाया था, अभी 4 बजने वाला है, तो 4 बजने का वाला है। रास्ता में अभी आधा भी हम लोगों ने क्रॉस कवर नहीं किया है, अभी बहुत लंबा रास्ता है। तो अभी यहाँ पर छोटा मोटा कुछ खा लेते हैं, कुछ खाने के बाद में सीधा मिलते हैं रास्ता पर। तो चलिए सीधा रास्ते पर मिलते हैं। ये वाला माटी हम नहीं देख रहे हैं।